गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिंड्रोम। और फाइनली हम लोग चार महीने के बाद, मार्च के बाद ट्रैवल कर रहे हैं। हमने लास्ट गोवा में ट्रैवल किया था मार्च में, और उसके बाद अंजलि को स्लिप डिस्क हो गया। तो अभी फाइनली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं टू उदयपुर। अभी 80 किलोमीटर दूर है और बहुत ही अमेजिंग वेदर है। एंड एज यू कैन सी, उसमें से 60 किलोमीटर मैंने चलाया। 60 अभी तक 60 अंजलि ने चलाया, बहुत अच्छी चला रही है, हाईवे का एक्सपीरियंस ले रही है, दैट्स गुड। और अंजलि ने ब्लू कलर भी करवाया। आप जरा कमेंट करके बताना कि कलर लग रहा है या साइड इफेक्ट लग रही है। हमारा डॉक्टर पूछते ऐसे कलर के बाल भी होते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए उदयपुर हमारे होटल पे, जिसका नाम है अमर कोटी। एंड नाउ लेट मी गिव यू अ रूम टूर। सो एंटर होते ही आपको मिलती है बड़ी सी, एज यूजुअल, अलमारी सामान रखने के लिए, ऊपर भी इस बार तो अगर पहुंच पाए तो। आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड पे बाथरूम है, नाइस, अच्छा लग रहा है मिरर। देन ये रूम है, डबल बेड, सामने मिरर, एसी, लैंप्स है। देन हमने बुक करवाया था, कौन सा था हमारा, नहीं नहीं क्या बुक करवाया था हमने, बालकनी व्यू वाला, बालकनी में पॉपट हो गया हमारा। ये इतनी छोटी सी बालकनी है और सामने ये व्यू, ठीक है। मतलब हमें कितने का पड़ा ये, 6,350 में दो दिन, मतलब ठीक है। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, कल सुबह करेंगे तब आपको बताएंगे। ऊपर होटल है, ओपन है, थर्ड फ्लोर पे ना रेस्टोरेंट, ऊपर थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, वो ओपन है। तो आई गेस वहाँ जब जाएंगे लंच के लिए तो आपको दिखाएंगे, बस उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बस यहाँ पे भी खिड़की है, वहाँ पे भी खिड़की है। एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट टाइम अंदर बुक करवाया था सिटी पैलेस के पास, तो उसमें प्रॉब्लम ये पड़ता है कि आपको पार्किंग नहीं मिलती, आपको बाहर जनरल में पार्क करना पड़ता है, फिर आपका सामान लेके अंदर तक जाना पड़ता है। वहाँ पे व्यू आपको डेफिनेटली मिलता है लेक का, बट एज सच आपको कुछ पार्किंग वार्किंग नहीं मिलता। आपको सामान उठा के कम आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा अंदर, अगर आपका कोई होटल वहाँ पे है तो। सो इस बार हमने बाहर बुक करवाया, अच्छा है, ठीक है, यहाँ से भी नज़दीक ही पड़ता है सब सिटी पैलेस, और आधा किलोमीटर किलोमीटर है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, ऊपर जाएंगे लंच करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान करते हैं आज का। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं करणी माता टेम्पल। हमारे तो गाड़ी में ही खोली है, मैं एक बार गाड़ी खोल देता हूँ, ये मेरी हमेशा बेइज्जती करवाता है। अब यहाँ से जा रहे हैं करणी माता टेम्पल, वहाँ से आई थिंक रोपवे वो ऑन है, तो रोपवे से जाएंगे ऊपर, देखते हैं शायद हम लोग फिर नीचे रोपवे से ना आए और स्टूडियो से आए, रास्ता देखने के लिए कैसा रहता है, अगर टाइम रहेगा तो, अदरवाइज फिर रोपवे से नीचे आएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए करणी माता टेंपल की रोपवे वाली जो जगह है वहाँ पे, जो गूगल मैप में दिखा रहा है वो वहाँ से मत जाना, और वहाँ पे रुक के आप किसी को भी लोकल को पूछना है तो वो आपको जो रास्ता है वो बता देगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट स्ट्रेट स्ट्रेट ही आना है वहाँ से, जहाँ से मैप दिखाता है वहीं से। अब देखते हैं रोपवे की क्या टिकट्स है, क्या प्राइजेज है और क्या टाइमिंग्स है। रोपवे हमारा डन हो गया, कैसा लगा, मजा आया? मेरे को डरावना लगता है मुझे। अब यहाँ से थोड़ा वॉक करके जाना है ऊपर, कुछ 100 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, तो रिटर्न में हम लोग सोच रहे हैं कि शायद नीचे चल के जाए, रोपवे में ना जाए, पर लेट्स सी, अगर अंधेरा हो गया ज़्यादा या फिर बारिश है देन अगेन रोपवे में जाना पड़ेगा। सो
फाइनली आधा घंटा पौना घंटा वहाँ एक लोकेशन है वहाँ पे फोटो शूट किया टाइम वेस्ट करते हुए और फिर मंदिर के सामने मेरे पीछे या ऊपर देख रहे हो वहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे फोटो शूट अभी चल रहा है। तो आई थिंक मंदिर तो है जस्ट एक मतलब ठीक है मंदिर है तो लोग आ जाते हैं बट फोटोज़ के लिए बहुत ही अमेजिंग जगह है। और अभी जो वेदर है ना बहुत मस्त लग रहा है बहुत मस्त फोटोज़ आ रहा है। सो फॉलो ऑस ऑन इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो नहीं कर रहे लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और आपकी स्क्रीन पे भी आती होगी। फॉलो ऑस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द बिहाइंड द सीन्स एंड स्टोरीज। अंदर जाके देख लेते हैं चूहे एक्सप्लोर करते हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट भी गए थे बट यहाँ से जो उदयपुर का लेक पिछोला का जो व्यू आ रहा है ना वो सज्जनगढ़ फोर्ट से भी इतना अमेजिंग नहीं आ रहा था। बहुत अमेजिंग है जस्ट फॉर द व्यू और दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी वो चूहे हैं लिमिटेड चूहे है मैंने वो शॉट डाल दिया बट बहुत ही अमेजिंग व्यू है और वेदर इतना मस्त है इतना मस्त। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सीजन टू विजिट उदयपुर मानसून में आओ जबरदस्त वेदर है ठंडी हवा चल रही है गर्मी नहीं लग रही बहुत ही मस्त है। डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप जुलाई अगस्त में आओ डेफिनेटली उदयपुर। फाइनली आधा पौना घंटा यहाँ पे भी हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लिए उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी सोचा है कि उतर के नहीं जाते क्योंकि आधा पौना घंटा लगेगा रोप वे से जा रहे हैं। नीचे एक 3D गैलरी है सो मोस्ट प्रोबेबली वो भी अभी विजिट करते हैं बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था ये यहीं पे है। सो अब नीचे 3D गैलरी है वो देख लेते हैं कैसी है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम है वो भी ऑन गोइंग है यहाँ पे कुछ बन रहा है ऊपर भी थोड़ा बन रहा है और आई थिंक मंदिर भी वो थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं। सो थोड़े टाइम में हाँ प्लेस काफ़ी अच्छी है काफ़ी मस्त है तो डेफिनेटली उदयपुर आ रहे हैं तो विजिट करके जाइए। सो अभी हम लोग आए हैं रोप वे पॉइंट पे तो अगर आपको रोप वे पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हो और अगर आपको वॉक करके नीचे उतरना है देन दिस इज़ द वे यहाँ से आप नीचे उतर सकते हो। हमें अभी थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मैं नीचे वो 3D सनसेट है ही नहीं सनसेट अगर होता तो आपको नीचे उतर के देखने मजा आता बट हमें वो नीचे 3D गैलरी में जाना है 7:30 तक का ही काम है अभी 6:45 हो चुके हैं 6:45 इसलिए हम लोग को जल्दी नीचे जाना है तो रोप वे से नीचे उतरते हैं होपफुली गैलरी 3D गैलरी अच्छी हो। रोप वे का जो पॉइंट है उसके सामने रेस्टोरेंट है वहाँ से आपको अंदर जाना सामने काउंटर है वहाँ पे आपका सिर्फ नंबर डाल के देगा वो आपका नंबर या सामने डिस्प्ले होगा तभी आपको रोप वे में नीचे जाना है। जब ऊपर आ रहे हो तब भी आपको नंबर डलवाना है नीचे जा रहे हो तब भी आपको नंबर डलवाना है। सामने एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो कोल्ड ड्रिंक है और शेक्स है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। टिकट का नंबर आपको वहाँ और वो लेवल आएगा उस नंबर से आपको नीचे जाना। अभी हम लोग यहाँ पे 3D गैलरी पे थे एज यू कैन सी वो रोप वे से नीचे जो रोप वे के साइड है वहीं पे है बाजू में। तो अगर आप लोग दो बंदे हैं यहाँ पे तो 120 रुपीज़ में आपको फोटोज़ वीडियोज़ दोनों हो जाएगा गैलरी में। अगर आप सिंगल हैं तो 80 रुपीज़ है ना एक का और अगर आप ग्रुप में है तो भी पर पर्सन 80 या 70 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप कपल में 120 रुपीज़ में फोटोज़ वीडियोज़ और यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है वो डाउनलोड करके उस पर आप वीडियोज़ ऑडियो और फोटोज़ बना सकते हैं। अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर।
सो अंदर 3D गैलरी में जो थे वो हमारे फोटोज़ डन हो गए। मेरे पीछे जो फोटोज़ देख रहे हो ना, सेम ऐसे ही फोटोज़ आते हैं, फोटोज़ मैंने डाले हैं वीडियोज़ में। ठीक है, मतलब 120 रुपीज़ वर्थ है वीडियो, आप बना सकते हो। वीडियो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो उसने बनाया है, बट फोटोज़ काफ़ी क्रिएटिव है, सो 120 रुपीज़ में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली 6:30 हो चुके हैं, हम लोग फ्री हो गए करनी माता टेम्पल, नीचे जो 3D गैलरी है वो दोनों देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, हमारे होटल पे जाके हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और फिर हम लोग रात को निकलेंगे बाहर, मोस्ट प्रोबेबली फतेह सागर लेक पे पेट पूजा करने के लिए। मेरे को बोलने नहीं देता व्लॉग में लड़का, बोलो। मैं बोलती कि हम लोग बहुत जोश से ऊपर गए थे कि नीचे उतर के आएंगे, पर हमारी ठाई हो गई ऊपर ही जाके, फिर हम दोबारा वो रोप वे लेके आ गए। वेदर अच्छा था, उतर सकते थे, पर मुझे थोड़ा डर था कि, पर हम, मैं 4 महीने बाद इतना चल रही हूं, मैं तो हिम्मत ही टूट गई, इसलिए थोड़ा और भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कमर दर्द हो गई, कल वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए अच्छा है कि आराम से करें। पर मौसम अच्छा है तो आप नीचे उतर सकते हो, 15-20 मिनट्स लगेंगे, रास्ता बहुत अच्छा है। तो अभी जा रहे होटल, अब होटल जाके मैं आपको अपडेट दूंगा कि भाई रात का व्लॉग करेंगे, अगर मैं सोच रहा हूँ कि रात का अलग से व्लॉग करेंगे, लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा।